नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं दोपहर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। बाड़मेर जिले में पश्चिमी राजस्थान में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बसे बाड़मेर जिले में एक बार फिर धर्म परिवर्तन का बड़ा मामला सामने आया। यहां दलित समाज के 2 दर्जन से ज्यादा लोगों ने हिंदू धर्म छोड़कर के बौद्ध धर्म अपना लिया। इसके लिए बाकायदा बड़े समारोह का आयोजन किया गया है। इस समारोह में बौद्ध भिक्षुकों ने शिरकत की। विधि विधान से दलित समाज के लोगों ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। आयोजन में बड़ी संख्या में लोग भी शामिल हुए। जिले में पिछले दिनों में धर्म परिवर्तन की कई खबरें भी सामने आ चुकी हैं। राजस्थान के 12 के केलवाड़ा में एक अनोखी शादी देखने को मिली, जहाँ पर कोरोना पॉजिटिव दुल्हन ने पीपीई किट पहनकर अपने दूल्हे के संग 7 फेरे लेकर के जीवन की नई पारी शुरू की। दरअसल केलवाड़ा के शतरगंज गांव की रहने वाली लड़की और उसकी मां ने 2 दिन पूर्व तबीयत खराब होने पर गांव में आए कोरोना जांच दल को सैंपल दिया था। फिर पूरा परिवार सामान्य रूप से शादी की तैयारियों में जुट गया, जबकि फेरों के कुछ घंटे पहले दुल्हन और उसकी मां की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव मिली। इसके बाद केलवाड़ा के कोविड सेंटर में ही मंडप सजाया गया और शादी की रस्में पूरी कराई गई। यह विवाह प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में करवाया गया। प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार को गिराने को लेकर इन दिनों प्रदेश में चल रही बयानबाजी के बीच पीसीसी चीफ शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। डोटासरा ने कह दिया कि बीजेपी के नेता पूरी तरह से बौखला गए। साथ ही अमित शाह पूछ रहे हैं कि सरकार गिराने के लिए दिया गया धन कहाँ है। डोटासरा ने दावा भी किया कि उनके पास और भी तथ्य हैं जिनसे साबित होता है कि सरकार गिराने का षड्यंत्र किया गया था। केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के आंदोलन का समर्थन करने के साथ साथ राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार किसानों को अपने पक्ष में करने के लिए आज बड़ा फैसला ले सकती है। सरकार डार्क जोन में किसानों को कुआ और ट्यूबवेल खोदने या उसे गहरा करवाने की सशर्त मंजूरी भी दे सकती है। आज शाम को मंत्रिपरिषद की बैठक में डार्क जोन में किसानों को कुआं और ट्यूबवेल खोदने पर लगी पाबंदी को हटाने पर विचार भी किया जा सकता है। बाड़मेर से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि यहां एक वार्ड पार्षद ने नहाते समय एक महिला की फोटो खींच ली और वीडियो भी बना लिया। बाद में उन फोटो और वीडियो के आधार पर महिला को ब्लैकमेल कर उनसे कई बार रेप किया गया है। आरोप यह भी है कि पार्षद ने महिला को अपने मित्र के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया था। पार्षद के मित्र ने भी महिला से रेप किया। आरोपी रिश्ते में पीड़िता का भाई बताया जा रहा है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ में मामला दर्ज कर लिया और मामला जिले के बालोतरा से जुड़ा हुआ है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय मालियान दौसा में राजीव शर्मा सहायक निदेशक समसा दौसा द्वारा स्माइल कार्यक्रम का अवलोकन किया गया। अवलोकन में शर्मा द्वारा बालक बालिकाओं के लिए चल रहे ऑनलाइन कार्यक्रम के बारे में शिक्षकों से जानकारी प्राप्त की और बालकों और अभिभावकों से मोबाइल के माध्यम से बातचीत कर गृह कार्य व शिक्षण गतिविधियों के विषय में जानकारी प्राप्त की। दोपहर की तमाम बड़ी खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार।